जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जानवर अब तबाही मचाते नजर आ रहा है। बाय गॉड, ये जानवर बिल्कुल खुला सांड हो चुका है, जिसके पास ना तो मूवी में रूल्स एंड रेगुलेशन दिखते नजर आ रहे हैं, ना ही इस टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन दिखते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब भी ये ओपन हो रहे हैं, मतलब एडवांस बुकिंग भाई फाड़ रहा है, विद इन आवर हाउसफुल शोज हो रहे हैं। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर छोटी मोटी जगह पर ओपन नहीं हुई थी, हालांकि आज थर्ड डे चल रहा है एडवांस बुकिंग ओपन होने के, 2 दिन गुजर चुके हैं और 2 दिन में ही जो तबाही देखने को मिली है, आज पूरे 4 दिन बाकी हैं आज को मिलाकर, क्योंकि आज फुल डे चलनी है, देन कल को, देन परसों भी, और 1 दिसंबर को जब ये मूवी फटेगी, भाई साहब इतना जबरदस्त एडवांस का ही कलेक्शन इसके पास होगा। दूसरा, रनिंग ऑडियंस जो ऑन द स्पॉट जाके बुकिंग करेगी वो अलग है। तो फर्स्ट डे बहुत अच्छा नंबर सिक्योर करते नजर आ रही है एनिमल रणबीर कपूर अपनी मूवी के लिए। तो अभी सभी चीज़ों पर बात करेंगे, नेशनल चेन्स में क्या हालचाल है भाई साहब, ऊपर से फिर एडवांस बुकिंग अभी तक क्या पहुंच चुकी है, ओवरसीज से कितना कलेक्शन आ चुका है, मतलब डे वन के लिए ये लोग कितना नंबर अभी से सिक्योर कर चुके हैं, 2 दिन पहले से ही, अभी 4 दिन और बचे, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। वैसे शुरुआत करेंगे नेशनल चेन्स में तबाही के मामले से। तीनों को मिलाकर PVR, आईनेक्स और सिनेपॉलिस को मिलाकर कल रात 11 बजे तक इस मूवी ने 87,500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए थे, और आज जब ये सुबह की रिपोर्ट आएगी, अपडेटेड रिपोर्ट, भाई साहब 1 लाख प्लस इसने टिकट बेच चुके होंगे सिर्फ नेशनल चेन्स में। बात करते हैं अब कि ऑन द स्पॉट कैसी बुकिंग चल रही है। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जैसे ही नए शोज ओपन हो रहे हैं विद इन आवर हाउसफुल जा रहे हैं, और बहुत से शोज फुल फिलिंग फास्ट पर चल रहे हैं। तो टोटल शोज अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 5,900 प्लस के आसपास इन्होंने अपने खाते में रख लिए हैं, और जब तक शायद ये वीडियो डिलीवर होगी 6,000 शोज भी इनके खाते में आ चुके होंगे। तो रुझान बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बात करें हिंदी से कितना कलेक्शन ये मूवी अभी तक ले चुकी है, एडवांस बुकिंग सिर्फ हिंदी से ही 5 करोड़ प्लस आते दिख रहा है, जिसमें से टिकट इन्होंने बेच दिए हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास, और शोज इन्होंने हिंदी से अपने खाते में रख लिए हैं लगभग 5,300 के आसपास। तेलुगु डब्ड वर्जन की बात करें तो 60 लाख प्लस की एडवांस बुकिंग उन्होंने यहाँ तक ले ली है, और ये अपडेटेड रिपोर्ट लगभग कल रात 12 बजे के आसपास तक की है। अभी जब सुबह की आएगी उस पर नई वीडियो बना दी जाएगी, और डेटा जब फुल फ्लेक्सिबल है, प्रॉपरली अभी ढंग से नहीं आ रहे, क्योंकि घंटों में डेटाज बदले जा रहे हैं। एडवांस बुकिंग बहुत फास्ट लेवल पर चल रही है, रैपिड फायर मोड पर चल रही है, एक के बाद एक, मतलब मिनटों में डेटाज बदल जा रहे हैं। तो जब तक यह वीडियो आपके पास पहुंचेगी शायद इसका डबल भी हो चुका होगा। तो तेलुगु से लगभग टोटल टिकट ये 31,000 प्लस के आसपास बेच चुके हैं, लगभग 100 सिर्फ तेलुगु डब्ड वर्जन से 500 के आसपास आ चुके हैं। तमिल डब्ड वर्जन की बात करें तो 33,000 प्लस की एडवांस बुकिंग उन्होंने वहां से ले ली है, 350 प्लस टिकट उन्होंने तमिल से बेच दिए हैं, एंड लगभग 22 या 23 सोल इनके खाते में आ चुके हैं तमिल डब्ड वर्जन से। तमिल में उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है, तेलुगु से अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। वो एक सॉलिड बॉन्ड कनेक्शन भी है, क्योंकि सालार की जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी AA फिल्म्स है, एनिमल के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी AA फिल्म्स है, तो वहाँ से एक कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, वहाँ से ऑडियंस का ट्रस्ट एक जीता जा रहा है, तो वो एक अलग लेवल का गेम चल रहा है। अब बात करते हैं कि टोटल ऑलमोस्ट, मतलब कितनी बुकिंग इन्होंने ले ली है भाई साहब, ऑलमोस्ट 5,60,00,000 प्लस के आसपास, और जब तक शायद ये वीडियो आप देख रहे होंगे 6 करोड़ भी पहुँच चुकी होगी, क्योंकि घंटों में ही भाई 50 लाख का अंतर हो जा रहा है, 30 लाख का अंतर हो जा रहा है, ऐसी बुकिंग चल रही है और ज़बरदस्त चल रही है, क्योंकि ट्रेलर ने जो आग लगाई है, ट्रेलर से जो रेस्पॉन्स मिला है, ट्रेलर से जो पब्लिक को ट्रस्ट मिला है कि भाई मूवी में वाकई फुल वायलेंस होने वाला है और ज़बरदस्त धमाकेदार कंटेंट होने वाला है। तो टोटल टिकट ये लोग कितने बेच चुके हैं अभी तक, लगभग 1,82,000 के आसपास टिकट उन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं। एनिमल से रणबीर कपूर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सॉलिड कमबैक होने वाला है। बात करते हैं ओवरसीज से, भाई बाहरी दुनिया से क्या हाथ लगा, क्योंकि इंडिया में तो जबरदस्त रुझान चल ही रहा है। ओवरसीज से लगभग 4 लाख यूएस डॉलर के आसपास इन्होंने कलेक्शन कर लिया है, जो इंडियन रुपीज लगभग 3,33,00,000 से ऊपर जाता है, लगभग 29,000, ये है एग्जैक्ट नंबर, लेकिन फिलहाल 3,33,00,000 ही मान के चलो ओवरसीज से आ चुका है। कहाँ कहाँ से, सिर्फ 4 कंट्री से, USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा।
यहाँ से भाई, और बाकी रेस्ट ऑफ दी जगह तो बाकी गल्फ कंट्रीज बाकी है, यूरोपियन और भी कुछ कंट्रीज बाकी है जहाँ पर इंडियन मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। फिलहाल चार कंट्री से क्लियर डेटा जा रहे हैं, वहीं पर ध्यान दिया जा रहे हैं। ओवरसीज से फाड़ने वाली है, जबरदस्त फाड़ने वाली है, 20,000 अबव जाएगा ही जाएगा ओवरसीज से, सिर्फ इंडिया से अलग जाएगा। तो डे वन के लिए इन लोगों ने अभी तक चार दिन पहले से ही कितना कलेक्शन अपने खाते में रख दिया, मतलब अगर पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड ओपनिंग की बात करें तो डे वन में कितनी ओपनिंग कर सकती है, उसका जो अर्ली एस्टिमेट अर्ली जो रुझान आया है लगभग में लगभग 9 करोड़ के आसपास इन्होंने अपने खाते में एडवांस बुकिंग से कलेक्शन रख लिया है। चार दिन बाकी है, आज भी धड़ल्ले से बुकिंग चलेगी, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी, उसके बाद 1 दिसंबर को जब ये मूवी फूटेगी तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से लगभग में लगभग 70 करोड़ की ओपनिंग तो ईजिली ले ही सकती है। और नेट इंडिया से कितना कलेक्शन आ सकता है अभी भी मान के चल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है हो सकता है ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन जो अर्ली एस्टिमेट जो अभी रुझान देखने को मिल रहा है 45 से 50 करोड़ नेट इंडिया से आ सकता है। आपके हिसाब से मूवी फर्स्ट डे कितनी कलेक्शन कर सकती है, क्या 70 करोड़ अबव जाएगी, क्या 100 करोड़ पर टच कर सकती है जैसे जवान ने किया था, जैसे पठान ने किया था, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।